इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में तो व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस मीटिंग ऑफ द टू वेव्स व्हेन टू वेव्स ट्रेवल देन दे इंटरफेयर विथ ईच अदर दे मीट विथ ईच अदर समवेयर when they meet these are the two wave source from this is plasma and this is F2 they will meet like this ये जो interference होगा ये this is called as interference for the interference of light to take place the light the two wave must be coherent So what is meant by coherent? If the two waves have the same frequency, same phase, and same amplitude, then we call the light wave to be a coherent wave. So interference phenomena को clearly observe करने के लिए हमें ये condition लेके चलना होगा कि जो light wave है फ्रीक्वेंसी और फेज हमारा सेम है फेज का मतलब क्या होता है सपोज करिए एक वेव हम y से डिनोट कर रहे हैं दैट इज a sin ओमेगा t दिस इज वन वेव द अनदर वेव से y2 इज योर a sin ओमेगा t प्लस phi नाउ दिस इज द फेज So this wave differs from this wave with the phase difference of phi. Now let us see the relation between the phase difference and path difference. The path difference is measured in wavelength, in terms of wavelength. Now say, in class 11, in chapter 15, we have studied about this, what is called as two wave and their equation, wave equation. And these are the harmonic wave equation. So say a wave is traveling from here, another wave is traveling from here, like this. This is y2 and this is y1. So, This wave start from this point, whereas this wave start from this point. So, whether it start from this, this or this, the phase is same. What is phase? अब इस डायरेक्शन में फेज देखें तो फेज सेम कब हम बोलेंगे वेव का जब पार्टिकल का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन अबाउट द मीन पोजिशन जब एक ही डायरेक्शन में हो ये पार्टिकल इस वेव का पार्टिकल दोनों का अपवर्ड मैक्सिमम की तरफ जा रहा है लेकिन अगर हम ये पार्टिकल और ये पार्टिकल लें तो ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है जबकि ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है तो ये हमारा फेज इसका क्या होगा डिफरेंट फेज हो गया ठीक है और ये दोनों डिफरेंट फेज वाले इक्वेशन जो है वेव इनको हम इस तरह से मैथमेटिकली डिनोट करते हैं अब इंटरफेरेंस को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले थे थॉमस यंग सो This interference, study of interference pattern is called as Young's double slit experiment. Young's ke double slit अब जब वेव आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ट्रेवलिंग के दौरान तो दो केसेस हो सकते हैं ये वेव सपोज करिए ये वाई वन है दूसरा वेव ये जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन दोनों का फेज हमारा सेम है फ्रीक्वेंसी हमारा सेम है तब दो बातें हो सकती हैं या तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट दोनों आपस में ओवरलैप करें या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रॉफ के साथ दो ओवरलैप करें
ये ट्रफ ये क्रेस्ट दोनों वर्ड लगकर ये भी सुपर पोजिशन है, ये भी सुपर पोजिशन है। ठीक, जब जब टू वेव इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो वेव होता है उसका इक्वेशन हम वेक्टर सम ऑफ द टू वेव लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेव y जो होगा, ये हमारा जो रिजल्टेंट वेव y जो हम लेंगे इसका इक्वेशन होगा y1 प्लस y2 एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसी को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब जब इस प्रकार का इंटरफेरेंस होगा दोनों वेव का तो इसको हम द रिजल्टेंट वेव वी विल हैव हायर वैल्यूज एंड अगर इस प्रकार का इंटरफेरेंस होगा उस केस में हो जाएगा वाई इज इक्वल टू से दिस इज योर वाई वन माइनस ऑफ वाई टू। तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ एक साथ ओवरलैप करेंगे तब वहां पर हमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ आपस में ओवरलैप होते हैं। अगर अपोजिट ओवरलैप होंगे क्रेस्ट ट्रफ तब इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर किसी पॉइंट पे अगर हम इसको स्क्रीन पे ले लें और ये स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे सपोज टू वेव मीट हो रहा है और ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तब यहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज आएगा, ब्राइट डार्क स्पॉट आएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर होगा वहां पे हमारा डार्क फ्रिंज यानी कि डार्क स्पॉट आएगा। अब स्पॉट भी कैसा रहेगा, जो डार्कनेस होगा वो इस तरह से रेक्टेंगुलर होकर आएगा, ये डार्क है इससे जुड़ा हुआ ये ब्राइट है, फिर डार्क फिर ब्राइट, इस प्रकार से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ये फॉर्म होता है। ये ऑब्जर्व किया था थॉमस यंग। अब इसका ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने जो सोर्स ऑफ लाइट दिया था वो कोहेरेंट किया, कोहेरेंट सोर्स जैसा कि मैंने बताया क्या होता है सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज और जीरो फेज, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर जीरो होगा या फेज डिफरेंस होगा तो वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा हुआ, वो फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कभी 90 डिग्री है तो कभी 80 डिग्री 180 डिग्री हो गया तो कभी 45 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं। अगर दोनों के बीच में सपोज करिए फेज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री का है तो ये कांस्टेंट फेज रहेगा थ्रू आउट द वेव मोशन। थॉमस यंग ने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया था कि उन्होंने एक मेन सोर्स लिया था एस, मेन सोर्स लिया था एस, ठीक है यहां पे पॉइंट दिया था और इससे निकले हुए वेव को तो स्लिट से पास कराया, स्लिट मीन्स ए वेरी नैरो ओपनिंग, ये स्लिट है ये स्लिट S1 और ये यहां पर ओपनिंग है दिस इज S2, लेकिन इन दोनों ओपनिंग के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस था वो उन्होंने लिया था 0.5 mm और पर्टिकुलर स्लिप का जो विड्थ था वो था 1 mm और इन दोनों स्लिप से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 2 meter पर उन्होंने एक स्क्रीन लिया जिसके ऊपर में दोनों वेव को ऑब्जर्व किया गया, ये दिस इज योर स्क्रीन। अब सवाल ये उठता है कि कोहेरेंट सोर्स जो हम कह रहे हैं कि क्या कोहेरेंट सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, हमारे पास कोई ऐसा दो सोर्स नहीं है जिससे निकला हुआ वेव वो हमारा कोहेरेंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सोर्स से हम लाइट सोर्स लेंगे और इससे निकला हुआ वेव को दो सोर्स से पास कराएंगे, मतलब ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट, दोनों से दो वेव निकलेगा, यहां से एक जाएगा इस तरह से और यहां दो वेव निकलेगा,
क्यों निकलेगा? क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो ये वेवलेट जब यहां पर पहुंचेगा और यहां से निकला हुआ यहां पर पहुंचेगा तो ये दोनों पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट का काम करेगा। लगे हुआ वेव को हम अलग अलग इस तरह से बना लीजिए। इसी तरह से इसको कर लीजिए। अब इसको करने में देखिए कौन सा वेव कहां इंटरफेयर हो रहा है, हो रहा है ना इंटरफेयर, इंटरफेरेंस हो रहा है। इस तरह से ये वेव दोनों यहां से ट्रेवल करेंगे और यहां पर इस स्क्रीन पे फॉल होंगे। तो इन दोनों का जो सेंटर डिस्टेंस है स्लिप का, इसको सेंटर लेते हुए हम स्क्रीन का इसको हम सेंटर सी मान लेते हैं। जब ये सेंटर सी मानेंगे तो ये वेव जो चलेगा ये यहां पहुंचेगा और ये वेव यहां से चलकर यहां पहुंचेगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा कि सेम होगा? दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम होगा। जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव होगा दे विल बी बिकॉज दे आर इन फेज एंड दे आर द पाथ डिफरेंट मीन्स पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बोथ द वेव आर सेम so they will reach at the point C with same phase and they will produce a bright spot that is called as central maximum। central maximum वो spot यहाँ पे create करेंगे। लेकिन यदि हम कोई point यहाँ पर ले लें say P1 और यहाँ पे ले लें P2, दोनों point पे देखिए यहाँ पे ये wave यहाँ जा रहा है और यहाँ से wave ये हुआ है। अब देखिए दोनों का path length में difference है कि नहीं है ना? तो यहां पर पाथ लेंथ में डिफरेंस होने के कारण यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये दोनों अराइविंग यहां जब पहुंचेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे उस वक्त दोनों आउट ऑफ फेज रहेंगे। यहां से चले सेम फेज का लेकिन यहां पर जाकर जब मीट होंगे पाथ डिफरेंस के कारण दे विल बी आउट ऑफ फेज। तो ये आउट ऑफ फेज यानी कि काम क्या बनेगा हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। और डिस्ट्रक्टिव में ये पॉइंट पे आपका डार्क शेडो आएगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट सी, चाहे वो हम P1 ले लें चाहे वो हम P2 ले लें। अगर ये P1 इससे सेम दूरी पर हम एक दूसरा पॉइंट भी लें तो यहां से अगर जाएगा इस तरह से अब इसका पाथ लेंथ ज्यादा हो गया और इसका पाथ लेंथ कम हो गया तो दोनों का पाथ का डिफरेंस है यहाँ पे लेकिन सेम फेज में चले यहाँ पे तो यहां पर पहुंचकर ये दोनों आउट ऑफ फेज मीट हुए तो ये हमारा डार्क पॉइंट बन जाए। तो अब लॉन्ग्स का एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्होंने क्या पाया कि जब दो स्लिट से जब वेव पास होकर उन्होंने स्क्रीन पर गया तो उन्होंने क्या देखा, अभी ये स्क्रीन ऐसे है इधर स्लाइड जा रहा ऐसे है, हम स्क्रीन को अब ऐसे कर दे रहे हैं उसका अगर हम फिगर हम फिगर यहां पर बना रहे हैं ये सेंटर मैक्सिमम अब पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। मैक्सिमम के दोनों तरफ यह मैक्सिमम ब्राइट के दोनों तरफ हमारा अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज उन्होंने पाया और यह भी पाया कि जो ये विड्थ है फ्रिंज का, ये ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है ये दिस थिकनेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न दिस थिकनेस फाउंड टू बी यूनिफॉर्म थिकनेस का बैंड बनेगा यहाँ पे। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमको देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारा सेंटर मैक्सिमम हो गया, एक तो हो गया हमको किस कंडीशन पे वो मैक्सिमम होगा जब लाइट रीच होगा दोनों वे तो ये कौन सा कंडीशन होगा जिसपे कि वो मैक्सिमम यानी कि ब्राइट होगा और कौन सा कंडीशन होगा जिसपे कि हमारा वो डार्क फ्रिंज होगा। ये टेबल में दे रहा हूं, इस टेबल में आपको ये हमेशा पता रहेगा कि जब पाथ डिफरेंस इतना है या फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा या पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, उसको निकालने के लिए एक सिंपल है। सबसे पहले आप एक इसको बनाइए, वेव बना दीजिए। और वेव क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव क्या है, ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। और उस वेव को हम
एनर्जी के रेस्पेक्ट में इसको हम क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के फॉर्म में वेव इक्वेशन के फॉर्म में, अगर साइन इक्वेशन है वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी ये साइन फंक्शन हो जाएगा, या फिर हम कॉस फंक्शन में भी इसको लेके हम बना सकते हैं। कॉस फंक्शन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो कोई एक हम एक वेव ले लेंगे और इसको हम ये पूरा कंप्लीट वन सर्किल को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जीरो, अब यहां पर अगर फेज एंगल में लेंगे तो पाई बाई टू हो गया, यहां पर पाई हो गया, यहां पर थ्री पाई बाई टू हो गया, और यहां पर हो गया टू पाई। अगर हम वेवलेंथ में लेंगे तो ये हो गया लैम्डा बाई फोर, ये हो गया यहां पे इस पॉइंट हो गया लैम्डा बाई कितना हो जाएगा लैम्डा बाई टू, यहां पे थ्री लैम्डा बाई लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर थ्री लैम्डा बाई फोर, और यहां पे क्या हो जाएगा लैम्डा। ये फेज डिफरेंस देखिए पाई बाई टू पे पाई बाई फोर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पाई, अगर पाई बाई टू है तो पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई फोर, उसी प्रकार से फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू, और फेज डिफरेंस थ्री पाई बाई टू है तो पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा बाई फोर, एंड व्हेन द पाथ फेज डिफरेंस इज टू पाई पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में भी यहां पे हो जाएगा टी पाई बाई फोर, अगर इसको पूरे टाइम पीरियड में हम टाइम में वो करें जीरो और यहां पे टी, यानी कि वन कंप्लीट साइकिल। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और वन कंप्लीट ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होगा, तो यहां से ये टाइम होता है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो टी पाई बाई फोर टी बाई टू थ्री टी बाई फोर एंड टी, ये आपका टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में कॉलम हो गया। तो ये इसको हमेशा आपको याद रखिए। सो वी हैव अज्यूम्ड द वेवलेंथ टू बी लैम्डा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सोर्स एस एंड रीचिंग एट पॉइंट पी आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रिप एस वन एंड एस टू विच आर एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्प्रिंग, then these waves are different with each other with a phase of phi. So we have represented the two waves reaching at point P as y1 is equal to n0 sin omega t and y2 is equal to n0 sin omega t plus phi. Now according to superposition principle what will happen? What does the superposition principle क्या कहता है? If the wave arriving at any point, interfering at any point is given as y is equal to y1 plus y2. So according to superposition principle, देखिए, according to superposition principle, the resultant wave y is equal to y1 plus y2. Vector sum, ठीक? अब दोनों को जोड़िए। y1 क्या है a नॉट साइन ओमेगा t प्लस y2 है a नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। नाउ एक्सपांड दिस साइन ओमेगा t प्लस फाइव व्हाट यू विल गेट साइन a प्लस बी के फॉर्म में इसको एक्सपांड करो साइन ओमेगा टी प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। पूरा मैथमेटिकल है जो ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है।
So A naught sin omega t plus इसका खोल दीजिए तो क्या बचेगा, A naught sin omega t cos phi plus A naught cos omega t sin phi. Taking common from this and this, we get A naught sin omega t 1 plus cos phi, and here it will be A naught cos omega t sin phi. यही होता है ना expansion, कुछ different होता है. Now put A naught 1 plus cos phi, put A naught 1 plus cos phi is equal to r cos theta. Put A naught 1 plus, देखिए ये A naught लेंगे और ये 1 plus cos phi, ये सबका वैल्यू हम क्या रखेंगे, cos phi है तो r cos theta रख लेते हैं, और यहां पर A naught sin phi को चेंज करेंगे. A naught यहां पर साइन फाई है, यहां पे आर साइन थीटा. सेकेंड, दिस इज थर्ड. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, रिजल्टेंट इक्वेशन वाई विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. वैल्यू पुट कर दिए उसके, अगेन बाय टेकिंग कॉमन ये क्या हो जाएगा, आर क्या कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं बाहर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई को लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर कॉमन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. इसको आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, बस इसका सिंप्लीफिकेशन है,